हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? सो बेटा, मेरा नाम अक्षय पंवार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या है बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा, जो क्या था आपके लिए? ह्यूमन हार्ट, है ना। सो बच्चों, आज इस सिस्टम के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी से कैसे वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, सारी बात करेंगे। देखिए बेटा, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक चीज़ जान लो कि जब बेटा पढ़ रहे होंगे आप तो पूरे फोकस से पढ़ना, ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ उस पर देना, जो लिख रहा हूँ उस पर देना, और डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए बेटा, ये सिस्टम होता किस लिए है? देखो, हमारी बॉडी में बेटा कई तरह के वेस्ट बनते हैं। उन वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या है, अलग अलग ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाएं क्या? जैसे कि आप मान लो, जैसे बेटा टिश्यू सेल्स होती हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाती हैं, हाँ जी बनाती हैं। सो भैया, एनर्जी के साथ कुछ और भी बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाँ जी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट, वेस्ट है जी। उसको रिमूव कैसे करते हैं भैया? वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है भैया, ब्लड से कहाँ जाती है भैया? लंग्स में। लंग्स बेटा क्या करता है? CO2 को बाहर निकाल देता है। नहीं, लंग्स बेटा हमारे लिए क्या है? एक ऑर्गन है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए? एक वेस्ट है। ऐसे ही बेटा अलग अलग तरीके के वेस्ट के लिए हमारी बॉडी में क्या अलग अलग ऑर्गन है। सो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होता है, उसको रिमूव करना है। उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, बेटा सारा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला कंटेंट हमें क्या जानना है कि भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके सब यूनिट्स पढ़ेंगे, है ना। फिर सेकंड हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि भैया किडनी का जो भैया फंक्शनल यूनिट है कौन होता है बेटा? बेसिकली नेफ्रन होता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है किडनी के अंदर जो बेटा वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। बेटा कौन होते हैं? नेफ्रोन्स। कौन होते हैं बच्चे लोग? नेफ्रोन्स, हाँ जी। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या होता है बेटा? बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। तो पहले हम जानेंगे कि यूरिन क्यों बनता है। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? यूरिन कैसे बनता है। पहले क्यों बेटा यूरिन बनता किस लिए है? क्योंकि बेटा यूरिन के थ्रू ही आपकी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलने वाला, कैसे ही निकलेगा बताएंगे अभी, है ना। नेक्स्ट बेटा हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल या फंक्शन ऑफ किडनी, भैया किडनी का फंक्शन क्या है बेटा? तीन फंक्शन आप पढ़ेंगे क्या बेटा? सबसे पहले आप पढ़ेंगे बेटा फिल्ट्रेशन, कि जो ब्लड किडनी में आता है बेटा वो क्या होता है? फिल्टर होता है। उसके बाद बेटा क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन। जो भी आपके ब्लड में काम की चीजें हैं, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, या बेटा कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट्स हैं जो बॉडी को चाहिए, तो बेटा वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा? जितना भी वेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है? वो सीक्रीशन कर दिया जाता है और भैया यूरेटर्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरेटर्स क्या होते हैं, किडनी क्या होते हैं, सब जानेंगे, है ना। तो बेटा बेसिकली कंटेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सेकंड बेटा हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा? आप लोग जानेंगे क्या? नेफ्रोन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। थर्ड क्या पढ़ेंगे कि नेफ्रोन भैया यूरिन बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, यूरिन क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे उसको बेटा। उसके बाद लास्ट में लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताएं? क्या पढ़ने वाले बेटा? फंक्शन ऑफ किडनी, कि भैया किडनी का क्या क्या फंक्शन होता है पूरा जानेंगे। सो बेटा पेन कॉपी लेकर के बैठना, पूरा रेडी रहना, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, हाँ जी, एक्सक्रीशन भैया डिफाइन करेंगे क्या? डिफाइन एक्सक्रीशन। अभी बताया था मैंने कि भैया वो प्रोसेस बॉडी का, जिससे बेटा हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी का हार्मफुल या टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करते हैं। हाँ जी, देखो क्या लिखा है बेटा, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जितना भी हार्मफुल बोल लो या टॉक्सिक बोल लो भैया, उस वेस्ट को रिमूव करने को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं जी? एक्सक्रीशन। सो बेटा देखो, कुछ बच्चों को डाउट आता है सर ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक बॉडी के लिए? वेस्ट। बेटा इसको रिमूव करने के लिए क्या बना है बेटा? एक ऑर्गन। बेटा वो ऑर्गन कौन सा है बताएं, बताएं, बोलो। बताया था बेटा वो ऑर्गन है लंग्स। कौन होते हैं बेटा? लंग्स। ऐसे ही बेटा एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे बेटा क्या बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से, रिमूव कर सकते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। बेटा नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होते हैं देखो, दोज सब्सटेंसेस कंटेनिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। बेटा ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर बेटा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग? क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। और बेटा हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल से बेटा आप लोग मान लो बेटा कई तरीके का वेस्ट होता है नाइट्रोजिनस में, जो हम पढ़ने वाले बेटा क्या क्या पढ़ेंगे से बेटा आप लोग बोल सकते हैं
पहले आप अमोनिया बोल लो, कई तरीके का वेस्ट होता है ना बेटा, अमोनिया बोल लो बेटा। अमोनिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में आप लोगों ने, क्या पढ़ा बेटा? NH3। क्या पढ़ा? NH3 बेटा। NH3 में आप लोग देखो कैसे नाइट्रोजन है, हाँ जी है, इसलिए मैंने बोला अमोनिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बेटा। सेकंड आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, जैसे यूरिया, क्या पढ़ेंगे बेटा? यूरिया। एक बेटा आप लोग पढ़ सकते हैं क्या, यूरिक एसिड। और बेटा आप लोग पढ़ सकते हैं क्रिएटिनिन वगैरह भी होता है, क्रिएटिनिन भी पढ़ सकते हैं बेटा। ये भी क्या है, एक नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गए। देखो बेटा बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारी बॉडी की हम बात कर रहे हैं है ना, एनिमल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें बेटा, मैमल्स में अगर हम अपनी बात करें बेटा, हमारे अंदर कौन सा वेस्ट होता है बेटा? ये होता है बेटा ह्यूमन नाइट्रोजिनस वेस्ट। अगर बेटा कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्या सर क्या क्या हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, अमोनिया ये नहीं बनता है? जी बनता है, अमोनिया थोड़े अमाउंट में बनता है बेटा। अमोनिया क्या होता है बेसिकली बेटा, अमोनिया जो है ना बेटा हमारे लीवर में जाता है बेटा, हमारे लीवर को किस में कन्वर्ट कर देता है वापस से, यूरिया में। इसलिए मैंने बोला कि जो बेटा मेन हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होता है बेटा हमारे लिए, यूरिया। क्या होता है? यूरिया। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट अमाउंट में हमारे बेटा बॉडी में बनता है, ये भी बॉडी बेटा हमारी क्या करते रिमूव कर देती है। हाँ जी, बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं बेटा? वो वेस्ट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको बेटा रिमूव करना है। उसमें कौन कौन है? एक अमोनिया है, एक यूरिया है, एक यूरिक एसिड है बेटा। हमारे अंदर जो मोस्टली बनता है बेटा वो वेस्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है भैया। बॉडी को रिमूव करना है तो बॉडी रिमूव करने के लिए किस तरीके से फंक्शन करती है बेटा, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ या ना, बोलो समझ में आई चीज? देख लो बेटा, चलिए समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो भैया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा क्या क्या होते हैं? कुछ बेटा सब यूनिट्स होती हैं जो काम करती हैं बेटा। कौन कौन सी हैं? पहले मैं बेटा बोलूंगा आपको, अ पेयर ऑफ किडनीज। क्या होते हैं बेटा? अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। और बेटा क्या होता है सेकेंड? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। देखते जाओ पहले फिर बताएंगे। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स स्ट्रक्चर देखते जाओ, चलना साथ में जो बनाई है। तो एक क्या होता है आपके लिए? यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। और एक बच्चा लोग आपके लिए क्या होता है? फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा। हाँ जी, अब देखो अगर मैं आपसे बेटा स्ट्रक्चर में बात करूं बेटा, ये बेटा ए जो है बेटा, ये आपके लिए क्या बेटा? दिस इज किडनी। क्या बेटा आपके लिए? किडनी। एक किडनी बेटा लेफ्ट में है और एक राइट में है। ये बेटा राइट किडनी और क्या बेटा आपके लिए? लेफ्ट किडनी है। सो बेटा दो किडनी है ना, इसलिए मैंने क्या बोला? अ पेयर ऑफ किडनी। क्या बोला? पेयर ऑफ किडनी। अब बेटा बेसिकली होता क्या है, किडनी बेटा वेस्ट रिमूव करती है। हाँ है ना, किडनी ने वेस्ट को रिमूव किया ब्लड से, ब्लड से वेस्ट को निकाल लिया बेटा। वो वेस्ट कहाँ जाता है आपका? तो वेस्ट कहाँ गया बेटा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ गया बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेटर। एक आपके लिए बेटा क्या है यहाँ पे? राइट यूरेटर। एक बेटा आपके लिए क्या है? लेफ्ट यूरेटर, है ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। बात समझ में आई? यानी किडनी, किडनी ने क्या किया, किडनी के अंदर जो बेटा ब्लड आया उससे वेस्ट को बाहर निकाला बेटा। उस वेस्ट को कहाँ डाल दिया बेटा? कहाँ डाल दिया? यूरेटर्स में डाल दिया बेटा। वो वेस्ट आगे गया और बच्चा लोग कहाँ पहुंच गया बेटा? एक स्ट्रक्चर में पहुंच गया जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं बच्चा? यूरिनरी ब्लैडर। अरे इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बेटा देखो है क्या, अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भैया? और वेस्ट सुनो मेरी पहले बात कि भैया किडनी से वेस्ट आया किस फॉर्म में आता है बेटा? किडनी से जो वेस्ट आता है बेटा वो यूरिन की फॉर्म में आता है ना बेटा। जो वेस्ट आया है किडनी से बेटा किस फॉर्म में आया है? यूरिन की फॉर्म में आया है बेटा। वो यूरिन कहाँ से आया है? यूरेटर से आया बेटा। कहाँ इकट्ठा हो गया बेटा? यूरिन इकट्ठा हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर में। और जब क्या होगा कि किसी पर्सन को अर्ज होगी या प्रेशर आया होगा बेटा, वो यूरिन के थ्रू क्या करेगा बेटा? वो क्या करेगा यूरिन को बेटा? एक स्ट्रक्चर से बॉडी से बाहर निकाल देगा जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? यूरेथ्रा। अरे बात समझ में आई नहीं आई कि भैया यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा हुआ था बेटा उसको आप पास आउट करोगे बेटा। पास आउट करेंगे किससे? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। भैया उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? बोलो जी, यूरेथ्रा बेटा। उसके ऊपर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर बेटा। उसके ऊपर क्या है? यूरेटर्स। उसके ऊपर बेटा क्या है? किडनीज। सो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा स्ट्रक्चर में आपसे जो मैं कहूँ बेटा वो क्या है? ए ये रहा बेटा, बी ये रहा, सी ये रहा बेटा, डी ये रहा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब बेटा देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका है इसमें? किडनी का। मैंने क्या बोला?
किडनी वेस्ट बनाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मतलब ब्लड से वेस्ट निकाला है ना, और बेटा किसमें मिला दिया उसको, यूरिन के अंदर मिक्स कर दिया, यूरिन की फॉर्म में, मतलब उसको लेकर के आ गया ना, जितना भी वेस्ट था आपके ब्लड में बेटा यूरिन की फॉर्म में आ गया। अब उसको बॉडी से कैसे बाहर निकालना है ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका आएगा फिर बेटा, किडनी का, हाँ या ना? तो बेटा हम पहले किडनी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो अब बेटा मैं आपसे बात करूँ किडनी के बारे में, देखे सामने बेटा, अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा किडनी के बारे में, देखो बेटा किडनी है क्या बेटा, सबसे पहले चीज एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बेटा, क्या है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ना, बीन शेप्ड होती है कैसे, देखो ऐसा होती है बेटा, कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे राजमा होता है ना, इस तरीके से ऐसे होते बेटा आपकी किडनी है ना। द सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा किडनी होती कहाँ है, देखो ये बेटा आपकी फ्रंट साइड है, ये होती है बेटा बैक साइड, द बैक साइड में किडनी यहाँ होती है, किस लेवल पे होती है वो आपको बताएंगे। देखो बेटा आपको तो पता लग गया बैक साइड का मतलब बेटा कौन सी कैविटी है, क्या बोलते हैं उसको बेटा, एब्डोमन, क्या बोलते हैं, एब्डोमन। तो बेटा किडनी कहाँ होती है, किडनी इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। इसका मतलब क्या, देखो जो बेटा हमारी किडनी है ना तो वो कहाँ होती है, बैक साइड में होती है। देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये जो हमारी ना ऐसे बेटा क्या होती है, ये आपकी वर्टीब्रा यानी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। सो भैया यहाँ पे बेटा क्या होती है आपकी, ऐसी इस तरीके से किडनीज होती है बैक साइड में इस तरीके से, ठीक है जी, बात समझ में आई। सो बेटा ये जो है बेटा ये आपके लिए क्या है, आपकी बैकबोन, क्या है बेटा, बैकबोन। बेटा बैकबोन के क्या है बेटा, बैकबोन, बेटा बैकबोन के क्या होती है, आइदर साइड, मतलब दोनों साइड में क्या होती है बेटा, किडनीज होती है ना। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, देखो एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ये मान लो राइट किडनी है, ये क्या है बेटा आपके लिए, लेफ्ट किडनी है ना। सो बेटा राइट किडनी क्या होती है बेटा, थोड़ी आपकी लोअर साइड में होती है, क्या होती है बेटा, थोड़ी लोअर साइड में होती है, नीचे होती है, क्योंकि बेटा आपके राइट साइड में लीवर होता है ना, वो किडनी को थोड़ा क्या करता है, सप्रेस करता है नीचे की साइड। तो राइट किडनी बेटा थोड़ा लोअर होती है। अगर मैं कहूँ बेटा लेफ्ट किडनी बेटा थोड़ी क्या होती है आपके लिए, अपर होती है, पोजिशन है। किडनी इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी on either side of backbone, where the right kidney is a little bit lower and the left kidney is little bit upper, है ना, बात समझ में आई, चलो जी आई। थर्ड बेटा अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किडनी का जो अप्रोक्सीमेट वेट है वो कितना होता है बेटा, आप मान सकते हैं 250 ग्राम से 300 ग्राम के बेटा बीच में होता है किडनी का क्या वेट, है ना। अब मैं बेटा आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, पीछे आओ जरा, जो आपने जाने नहीं। अब बेटा यहाँ पे मैंने बेटा एक डायग्राम में एक ब्लू कलर से एक आ रखी है बेटा ब्रांच, एक बेटा रेड कलर से आ रखी है, तो ये क्या है, हाँ जी मैं देखो बेटा जो ब्लू कलर से आया हुआ ना बेटा, ये क्या है आपके लिए, वेना कावा, क्या है बेटा, वेना कावा। और जो बेटा रेड कलर से आ रखी है वो क्या बेटा बच्चों आपके लिए, बेटा वो है आपके लिए क्या, ओर्टा, क्या है बेटा आपके लिए, ओर्टा, है ना। अब एक बात मुझे बताना, ये क्या है, क्या इनका काम है, देखो होता क्या एक्चुअली, जो बेटा आर्टरी की ना एक ब्रांच, बेटा आर्टरी की एक ब्रांच कहाँ जा रही है बेटा, किडनी में, कहाँ जा रही है बेटा, किडनी में, देखो ग्रीन से दिखाई दे रहा है क्या बेटा, आर्टरी, ओर्टा की आर्टरी होती है ना, लार्जेस्ट आर्टरी है। सो बेटा इस आर्टरी की बेटा ब्रांच कहाँ जा रही है, किडनी के अंदर जा रही है क्या, हाँ जी जा रही है। सो बेटा इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रीनल आर्टरी। ऐसे ही बेटा जो वेना कावा आ रही है बेटा, उसकी एक ब्रांच कहाँ जा रही है बेटा, किडनी में जा रही है क्या, देखो बेटा इस ब्लू कलर से दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखो स्काई ब्लू से, है ना। तो बेटा इस वेना कावा की, बेटा वेना कावा की ब्रांच कहाँ जा रही है आपकी, किडनी के अंदर जा रही है। और भैया इस ब्रांच को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रीनल वीन, क्या बोलते हैं बेटा इस ब्रांच को, रीनल वीन, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रीनल वीन। अरे बात समझ में आई, यानी वेना कावा की जो बेटा ब्रांच कहाँ जा रही है बेटा, किडनी के अंदर जा रही है बेटा, उसको हमने क्या बोल दिया, रीनल वीन। और जो बेटा ओर्टा की जो बेटा ब्रांच आपकी कहाँ जा रही है, किडनी के अंदर जा रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, रीनल आर्टरी। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई, आया ना, अरे समझ में आया नहीं आया, बोलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हाँ जी बेटा। अब बेटा किडनी के अंदर क्या है बेटा, बेटा किडनी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर नेफ्रोन्स, क्या होता है बेटा इसके अंदर, नेफ्रोन्स होते हैं। और बेटा वही क्या काम करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना, ये बात सभी को समझ में आई, हाँ जी बेटा। आ गया हो देखो,
ये बेटा आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या क्या गिवन है इसमें। देखो जरा, सो बेटा देखो ये आपके लिए क्या है बेटा, किडनी। बेटा ये आपके लिए क्या है, किडनी। हाँ जी, ये बेटा आपके लिए क्या, देखो ये बेटा ओरटा है बेटा, ओरटा की ये ब्रांच आ रही है क्या, ये बेटा आपके लिए क्या है, ओरटा है बेटा, ये ब्रांच आ रही है किडनी के अंदर। सो बेटा इसका नाम क्या दिया गया है, देखो रिनल आर्टरी, लेफ्ट वाला तो लेफ्ट रिनल आर्टरी है ना, ऐसे ही बेटा आपके लिए क्या दिया हुआ है बेटा, रेड वाला ओरटा। बेटा ये क्या है आपके लिए, आर्टरी, आर्टरी की ब्रांच कौन सी है इसकी बेटा, ये रही इसकी ब्रांच, लेफ्ट रिनल आर्टरी है ना। उसके बाद बेटा नीचे क्या है, ये बेटा ये जो येलो कलर में है तो ये आपके लिए क्या है, यूरेटर्स। क्या बेटा आपके लिए, यूरेटर। और बेटा यूरेटर कहाँ के खुलते हैं बेटा, आपके यूरिनरी ब्लैडर। बेटा कहाँ के खुलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। जब बेटा क्या होता है, यूरिन बेटा क्या होता है, इकट्ठा होता है बेटा, वो फिर उसके बाद क्या होता है, यूरिन को बॉडी से हम पास आउट करते हैं एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, यूरेथ्रा। क्या इतना समझ में आया। हाँ जी, सो बेटा देखो मैंने आपको क्या समझाया बेटा, हमारे एक्सक्रीट सिस्टम में चार पार्ट होंगे बेटा। एक होगा पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये बेटा चारों काम करेंगे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, किडनी। किडनी क्या करेगी बेटा, आपके ब्लड से वेस्ट निकालेगी यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर। बात समझो है, किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, आपके ब्लड से वेस्ट निकाला बेटा, कैसा वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट निकाला, और उसको बेटा क्या करेंगी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर बेटा, यूरेथ्रा की हेल्प से क्या करेंगी, बॉडी से बाहर निकाल देंगी। आप ये बोल सकते हैं बेटा किडनी की हेल्पिंग यूनिट कौन है, आपके यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। मेन काम क्या था, वेस्ट को बाहर निकालना, बस इसके थ्रू बेटा ये तो रास्ता है जिससे बेटा बॉडी से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उस वेस्ट को ब्लड से किसने निकाला, किडनी ने। सो बेटा किडनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे बेटा उसमें भी आएगा, ठीक है जी। देखो एक अच्छा सा डायग्राम बेटा आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ है, इसमें क्या है बेटा देखो, ये कोई रेड वाली आ रही है बेटा, ये है रीनल आर्टरी, है ना, ये बेटा आपके लिए क्या है, किडनी, है ना। अब भैया देखो ब्लू वाली दिखाई दे रही है, किडनी के अंदर ब्रांच आ रही है ना कावा की, तो बेटा उसको क्या नाम दिया गया है, रिनल वीन। और बेटा ये आपके लिए क्या है, जो किडनी से निकल रहे हैं बेटा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, बेटा आपके लिए क्या है, यूरेटर्स। बेटा यूरेटर्स कहाँ ओपन होते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं बेटा। ब्लैडर से क्या होता है, जितना भी यूरिन यहाँ से बेटा इकट्ठा हुआ था बेटा एक ट्यूब से क्या होता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से बॉडी से बाहर कर देते हैं, है ना। यूरिनरी ब्लैडर में जितना बेटा यूरिन इकट्ठा हुआ था बेटा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से बाहर करते हैं। भैया इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, यूरेथ्रा। आई थिंक तो इतना समझ में आया नहीं आया, बोलो जी समझ में आ रहा है या ध्यान कहीं और है, कैसे तो नहीं वीडियो चलते हुए मैसेज आ रहे हैं, चलो कोई नहीं। हाँ जी बेटा, सो बच्चा लोग अब बेटा हम आपको क्या बताएंगे, पीछे चलते हैं बेटा। ये आपका क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया, हाँ जी डन है। इसके बाद बेटा हम किसके बारे में बात करेंगे आपसे, नेफ्रोन के बारे में बेटा बात करने वाले। देखो अब बेटा मेरा पहला वो क्या है, कंसिडरेशन क्या है बेटा, अब किडनी के अंदर मैंने आपको क्या बोला था बेटा, किडनी के अंदर आपको क्या बोला था बेटा, किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और बेटा यही क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आया ना, बोलो जी। अब बेटा आप किडनी के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, जानेंगे भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो जरा आगे बढ़ते हैं, देखो ये बेटा डायग्राम है आपके एनसीईआरटी के अंदर, कहाँ है बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं बेटा, कुछ चीजें आपको समझाई जाएंगी, वो क्या है बेटा, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। देखो पहले अगर मैं कहूं बेटा किडनी ने बेटा क्या किया, वेस्ट रिमूव किया, वेस्ट बेटा क्या करा, रिमूव किया, हाँ जी किया, किसकी हेल्प से किया बेटा, किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोन। किसकी हेल्प से किया बेटा, नेफ्रोन की हेल्प से बेटा। नेफ्रोन ही क्या है बेटा, वर्किंग यूनिट है किसके बेटा, किडनी की। क्या बेटा, इसकी वर्किंग यूनिट है, हाँ जी ठीक है। अब मैं बेटा आपसे बात करूं, नेफ्रोन बेटा, नेफ्रोन जो होता है वो क्या करता है बेटा, नेफ्रोन बेटा क्या करता है, यूरिन की फॉर्म में बेटा क्या करता है बेटा, ब्लड से बेटा वेस्ट क्या करता है, रिमूव कर देता है। ब्लड से बेटा क्या करता है, रिमूव कर देता है। लेकिन बेटा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से भैया, क्या कि यूरिन कैसे बनता है और क्यों बनता है ना। देखो मैंने क्या कहा, किडनी ने वेस्ट को रिमूव किया बेटा, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, नेफ्रोन की हेल्प से, हाँ जी किया।
भैया ये इसकी वर्किंग यूनिट होती है, ठीक है जी। किस फॉर्म में बेटा रिमूव कर रहा है? नेफ्रोन भैया, ब्लड से वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव कर रहा है बेटा? यूरिन की फॉर्म में कर रहा है। हाँ जी, वो भी समझ गए कि यूरिन की फॉर्म में नेफ्रोन ने ब्लड से वेस्ट को रिमूव किया। लेकिन बेटा ऐसा क्या है, देखो आपकी एक बेटा राइट किडनी, एक बेटा लेफ्ट किडनी, ये कितने होते हैं नेफ्रोन कि भैया इतना सारा वेस्ट रिमूव करते हैं ब्लड से? बेटा अप्रोक्सीमेटली बेटा एक किडनी में कितने बेटा नेफ्रोन होते हैं अप्रोक्सीमेट? बेटा 10 मिलियन नेफ्रोन्स, 10 मिलियन नेफ्रोन्स होते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। बट 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अरे बताओ बेटा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो भैया कितना होगा ये बोलो? 100 लाख बोल सकते हैं आप लोग। चलो वो तो खैर खैर कोई बात नहीं बेटा, हमारे लेफ्ट और राइट किडनी मिला कितने नेफ्रोन है बेटा? 20 मिलियन। कितने हैं भैया? 20 मिलियन नेफ्रोन है। हाँ जी, ये बात समझ सभी को समझ में आई क्या? अरे लगता है बेटा कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ जी हाँ बेटा, 10 नहीं, ये 1 मिलियन है। कितने है बेटा? 1 मिलियन नेफ्रोन है बेटा। 1 मिलियन में कितना होता है आपके लिए? 10 लाख नेफ्रोन बेटा एक किडनी में होते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन करेक्शन कर लेना, कोई नहीं, आपकी नॉलेज के लिए है, मुझे भी याद आता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। सो बच्चों, अब मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, बेटा स्लाइड्स मुझे लगता है आगे पीछे हो रखी है क्या? यूरिन वाला टॉपिक कहाँ चला गया? आपके लिए टॉपिक्स आगे पीछे हो रखे हैं। हाँ जी बेटा, सो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक साइड ले लेता हूँ, है ना? चलो जी, चलो बेटा देखो, अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वाई एंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, वाई एंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। बेटा यूरिन क्यों बनता है और बेटा यूरिन कैसे बनता है? देखो सबसे पहली चीज बेटा, क्या आपको वाई का आंसर ढूंढना पड़ेगा बेटा, यूरिन बनता क्यों है बॉडी में? ये मैं भैया स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ भाई, यूरिन क्यों बनता है बॉडी में? टू रिमूव हार्मफुल, टू रिमूव हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट, टू रिमूव हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट। हाँ जी बनता है, ठीक है। यूरिन समझ में आया क्यों बनता है भैया? वेस्ट को बॉडी से हटाने के लिए क्यों बनता है भाई? यूरिन बनता है बट आप सेकंड क्वेश्चन आपके मन में क्या होगा, भैया यूरिन बनता कैसे? अभी आंसर दिया था, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या आंसर था बेटा, कैसे बनता है बेटा यूरिन, कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ बोलो नेफ्रोन, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोन। जी ठीक है, नेफ्रोन की हेल्प से बनता है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, देखो नेफ्रोन तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब भैया नेफ्रॉन के अंदर बेटा क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको जानने पड़ेंगे बेटा। वो क्या क्या होते हैं देखते जाओ। देखो बेटा नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हम फर्स्ट बेटा पढ़ेंगे क्या आपके लिए, बोमेंस कैप्सूल। बेटा क्या पढ़ेंगे? बोमेंस कैप्सूल। एक बेटा पार्ट आप लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलस। हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, ग्लोमेरुलस। एक बेटा आप लोग क्या पढ़ेंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन, मतलब ये बेटा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन। एक बेटा आप लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, एक बेटा लास्ट में पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? कलेक्टिंग डक्ट, आया ना? कलेक्टिंग डक्ट, कोई दिक्कत क्या इसमें? देखो जी, मैंने आपको क्या बोला बेटा, आपकी बॉडी में यूरिन क्यों बनता है वेस्ट को हटाने के लिए? कैसे बनता है भैया? नेफ्रोन की हेल्प से। अब भैया नेफ्रोन में ऐसा क्या कि भैया वो ब्लड से वेस्ट निकाल लेता है? भैया एक होता है वोमेंस कैप्सूल, बेटा एक क्या होता है ग्लोमेरुलस, एक बेटा क्या होता है ट्यूबुलर पार्ट, एक बेटा आपके लिए क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट। एक मेरी बात सुनना, जब क्लास 11 तो बच्चे बायोलॉजी लेंगे तो बेटा उसमें पढ़ेंगे ना, ये ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, इसमें क्या क्या होता है? एक होता है बेटा पीसीटी, एक बेटा क्या होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और एक बेटा आप लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बताएं, एक बेटा पढ़ेंगे डीसीटी। अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया, जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। बेटा पीसीटी क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्यूलर ट्यूब्यूल, है ना? लूप ऑफ हेनले और बेटा डीसीटी क्या होता है? डिस्टल कॉन्यूलर ट्यूब्यूल। सो बट बेसिकली इन तीनों को मिलाकर हम बेटा एनसीईआरटी में हम क्या बोलते हैं क्लास 10th में, ट्यूबुलर पार्ट। बेटा क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर पार्ट। बात समझ में आई? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया नहीं आया? अब देखो बेटा आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले बेटा हम आपको अपने तरीके से एक चीज समझाएंगे, वो क्या? देखो सामने ध्यान देना, देखो बेटा बेसिकली नेफ्रॉन कैसा होता है, देखो ये होता है आपका क्या,
कप लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेटा, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेटा एक सेकंड देना मुझे, मैं कैमरे की टाइमिंग चेक कर लूँ कि कैमरा बंद ना हो जाए, 30 मिनट से बंद हो जाता है बेटा ये। हाँ जी, सो बेटा अभी टाइम बचा है 4 मिनट्स के आसपास, तो बता देंगे जब तक। देखो बेटा ये क्या है बेटा आपके लिए, देखिए है बोवेंस कैप्सूल। क्या है बेटा आपके लिए, बोवेंस कैप्सूल है ना। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, बोवेंस कैप्सूल में क्या होता है बेटा, एक बंच आता है बेटा, क्या आता है बंच ऑफ कैपिलरीज है ना बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। तो देखो मैंने क्या क्या बताया बेटा, जो कप शेप स्ट्रक्चर उसको हमने क्या बोला बोमेंस कैप्सूल, क्या बोला बच्चा लोग बोमेंस कैप्सूल, ठीक है जी बेटा। इसको हमने क्या बोला, जो रेड वाला है बेटा ग्लोमेरुलस, क्या बोला बेटा ग्लोमेरुलस, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा ग्लोमेरुलस होता क्या है, कुछ नहीं है बेटा, देखो मैंने बताया था हमारी किडनी में बेटा एक रीनल आर्टरी आती है बेटा, रीनल आर्टरी का ही ये पार्ट है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे बंच ऑफ कैपिलरी बोल दो बेटा, बंच ऑफ कैपिलरी मतलब जो आर्टरी का पार्ट बेटा ब्लड लेकर के आता है किडनी में बेटा, वो कौन सा है ग्लोमेरुलस। भैया किसके अंदर लेकर के आ रहा है, बोवेंस कैप्सूल में। भैया कैसा हो, देखो ऐसा होता है बेटा, ऐसा ये आपका बोवेंस कैप्सूल है बेटा, यहाँ से क्या आ रही है आपकी, क्या आ रही है बेटा न्यूरल आर्टरी है, जो बेटा क्या लेकर आ रही है ब्लड लेकर के आ रही है। भैया इसके अंदर क्या है, भैया इसके अंदर ब्लड है बेटा, इसके अंदर क्या है ब्लड है। हाँ जी देखो ये तो आ रही है बेटा अंदर लेकर के, बेटा यहाँ से एक चीज बाहर भी निकल रही है क्या, इसके बारे में बताएंगे बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा जो चीज एंटर करती है ना, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, मतलब ग्लोमेरुलस जो आ रहा है बेटा बोन्स कैप्सूल में, उसका एक पार्ट अंदर आ रहा है बोन्स कैप्सूल के बेटा, एक पार्ट क्या निकल रहा है बाहर। सो बेटा ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, ए को हम बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल, और बेटा बाहर निकल रहा है बी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जी हुआ क्या, अब बेटा यहाँ से क्या होने वाला है आपका बेटा, ब्लड फिल्टर होगा बेटा, क्या होगा ब्लड फिल्टर होगा बेटा, फिल्टर होकर के कहाँ जाएगा बेटा, एक ट्यूबुलर पार्ट, किस में जाएगा बेटा एक ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा बेटा। वो ऐसा होता है आपको दिखाने के लिए समझाएं, तो इस तरीके का होता है, इस तरीके से बात समझ आए सभी को क्या, तो कैसा होता है बेटा कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जी। कैसे बनाएंगे भैया, देखो इस तरीके से होता है ये बेटा, ये आपके लिए पीसीटी है यानी ट्यूबुलर पार्ट है बेटा जो बना रहा हूँ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन बेटा, क्या आपके लिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन। हाँ जी, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे कहाँ के खुल रहा है बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट बेटा, कहाँ के खुल रहा है बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट में आकर के खुल रहा है, ठीक है जी। देखो अगर बेटा आपसे बात करूँ, ये आपके लिए क्या है बच्चा लोग, ये बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा, ये आपके लिए क्या है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन, और जो बेटा लास्ट में बनाया ये बच्चा लोग आपके लिए क्या है कलेक्टिंग डक्ट, क्या है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा पहले ना इसको बना लो, टाइम ओवर होने वाला है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ जी बेटा, नथन मोड डाउन हो गया आपको समझ में आया, तो बेटा मैंने क्या बताया नेफ्रॉन के बेटा 4 पार्ट्स हैं, वोवेंस कैप्सूल, आगे क्या है बताएं बताएं ग्लोमेरुलस, उसके बाद बेटा क्या है ट्यूबुलर पार्ट, और फिर बेटा लास्ट में क्या कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो प्रोसेस हम जानते हैं बेटा, प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ से बेटा ब्लड फिल्टर हुआ बेटा, यहाँ से क्या हुआ ब्लड फिल्टर हुआ, तो बेटा ये क्या हो गया यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, पहला प्रोसेस हो गया बेटा ब्लड फिल्टर हो गया यहाँ से। तो बेटा जो ब्लड फिल्टर होता है उसको हम बच्चा लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको बेटा बोलते हैं फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं बच्चा लोग फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं आप लोग। हाँ जी ब्लड फिल्टर हुआ, अब भैया जब ब्लड फिल्टर होगा बेटा आपके ब्लड में बहुत सारी चीज़ें बहुत काम की होती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, बहुत सारे सोल्ट्स हैं आपके बेटा, वो काम के हैं, चलो वो फिल्टर हो गए बेटा, फिल्टर होकर के कहाँ आएंगे बेटा आपकी बॉडी में ट्यूबुलर पार्ट में पहुँच गए। हाँ जी पहुँच गए, तो जब ट्यूबुलर पार्ट में बेटा ये पहुँच गया, क्या कोई और प्रोसेस होना चाहिए क्या, हाँ जी होता है। अब भैया अगर मान लो आपके बॉडी में पानी की कमी है, और पानी ही बेटा क्या हुआ, वाटर ही क्या हुआ, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकल गया, तो आपकी बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर मान के चलो आपकी बॉडी में पानी की कमी है, और भैया ब्लड जब फिल्टर हुआ तो भैया वाटर भी उसमें आ गया, और वाटर बेटा यूरिन की फॉर्म में आपने बाहर निकाल दिया, एज अ वेस्ट बाहर निकाल दिया, सो भैया आपकी बॉडी में तो पानी की कमी हो जाएगी। सो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड फिल्टर हुआ ना, देखो यहाँ पे क्या होगा आपसे आपके लिए बेटा, यहाँ पे जो बेटा काम की चीजें हैं ना बेटा, वो क्या हो जाएंगी
रीअब्जॉर्ब, क्या हो जाएंगे बेटा, रीअब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या है बेटा, आपके ट्यूबुलर पार्ट में बेटा क्या होने लग गया, अब रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन बेटा, किस चीज़ का हो रहा है, वही चीज़ें जो बेटा आपकी बॉडी के लिए काम की हैं। कुछ सोल्ट हो सकता है, कुछ वाटर हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशन हो सकता है जो बॉडी को चाहिए और वो फिल्टर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट की फॉर्म बॉडी से बाहर निकल जाए। तो बेटा ये ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है, बेटा पूरे ट्यूबुलर पार्ट की बात करूं, बेटा पूरा ट्यूबुलर पार्ट ही क्या करता है बेटा, उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो आपके बॉडी के काम के सोल्ट हैं, जो वाटर है, ग्लूकोज है, उनको बेटा वापस से क्या किया, रीअब्जॉर्ब किया। और जो वेस्ट था बेटा, वो वेस्ट तो आगे चलता रहेगा। अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो आप, मैं क्लियर करता हूँ। देखो जी सामने सामने सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेटा ये क्या है आपके लिए, एफरेंट आर्टेरियोल है। क्या है बेटा, रीनल आर्टरी की ब्रांच से बेटा ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया। अब देखो बेटा इसकी कितनी सारी ब्रांचेज हैं बेटा, देखो यहाँ पे बेटा हर जगह पे क्या है, ब्लड बेटा, यहाँ पे हर जगह पे क्या है बेटा, ब्लड है। हाँ जी ठीक है, ब्लड है। अब बेटा ये ब्लड क्या हो रहा है यहाँ से, देखो बेटा बेटा ब्लड यहाँ से क्या हो गया बेटा, फिल्टर हो गया बेटा। यहाँ से ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया। हाँ जी ठीक है। अब मैंने आपको एक बात कहा था, क्या कही थी बेटा, ग्लोमेरुलस का बेटा एक पार्ट बाहर निकलता है, निकलता है किससे बेटा, बोवेंस कैप्सूल से बेटा। इस बी को हमने क्या नाम दिया था, एफरेंट आर्टेरियोल बेटा। ये आपके लिए क्या है बेटा, बी, एफरेंट आर्टेरियोल। तो भैया इसमें भी क्या होता है, ब्लड बेटा, इसमें भी क्या होता है आपका, ब्लड। अब मेरी एक बात सुनना अब बेटा, ये जो है ना, ये जो बेटा मैं आपके लिए जो बी बना रहा हूँ बेटा, ये कैसे चलता है देखो, ये नेफ्रोन के इर्द गिर्द आपको दिखाई देगा चलते हुए बेटा, इस तरीके से देखो, ऐसे ये नेफ्रोन के बेटा क्या होगा, आसपास ऐसे आपको चलते हुए दिखाई देगा इस तरीके से। अब ये करता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो बेटा इस बेटा बी पार्ट में भी क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल में क्या है बेटा, इसमें बेटा ब्लड होता है। अब देखो क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट में मैंने आपको कहा था, क्या कहा था अभी, ट्यूबुलर पार्ट में बेटा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो मैंने बताया था अभी, है ना, जो आपकी बॉडी के काम की चीज बेटा वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगी। कैसे देखो, अब बेटा ये ट्यूबुलर पार्ट आया बेटा, किसके, ट्यूबुलर पार्ट के अराउंड बेटा ये पार्ट आया, मतलब आप बोल सकते हैं कैपिलरीज आई। ये क्या करती है, देखो जो काम की चीज होंगी बेटा यहां से बेटा क्या कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब ट्यूबुलर पार्ट में जो बेटा ब्लड फिल्टर होकर के आया था, उसमें जो काम की चीजें हैं, वाटर है, सोल्ट है या ग्लूकोज है बेटा, उसको क्या कर लिया बेटा, ये क्या है आपके लिए, रीअब्जॉर्ब। क्या कर लिया बेटा, रीअब्जॉर्ब कर लिया। चलो जी मान लिया, रीअब्जॉर्ब हो गया। अब होगा क्या, अब बेटा इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होगा बेटा, वेस्ट कौन सा, नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, जैसे आपका अमोनिया हुआ या यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ बेटा, वो क्या होगा बेटा, इसके अंदर डाल देंगे बेटा, किसके अंदर, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर बेटा सारा वेस्ट डाल दिया जाएगा। तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब इस ट्यूब ने बेटा अपना क्या कर दिया, वेस्ट बेटा किसमें डाल दिया, नेफ्रोन के ट्यूबुलर पार्ट में डाल दिया। मतलब क्या है बेटा, वेस्ट क्या हुआ, देखो यहां से आपके लिए क्या हो गया, अगर मैं कहूँ आपको बेटा, यहां से आपके लिए क्या हो गया, जो बेटा रीअब्जॉर्प्शन था काम की चीजों का, और बेटा इसके अंदर क्या आ गया, जो भी वेस्ट था बेटा इसके अंदर मिला दिया गया। अब भैया नेफ्रोन में बेटा क्या जाएगा, जितना भी वेस्ट है बेटा क्या करेगा, कैरी करेगा बेटा, कहाँ तक जाएगा बेटा, इस पोर्शन में आएगा बेटा, किसमें आएगा आपका, ये कलेक्टिंग डक्ट बेटा, किसमें आ जाएगा आपके लिए, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। देखो बेटा अब जितना भी वेस्ट था बेटा, क्या है यहाँ पर, जो वेस्ट बचा बेटा क्या है आपके लिए, वेस्ट बेटा, वो कहाँ खुलेगा आपका बेटा, करके कलेक्टिंग डक्ट में। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, कलेक्टिंग डक्ट में। मैंने क्या बताया, ग्लोमेरुलस से बेटा ब्लड फिल्टर हुआ, कहाँ है बेटा, बोवेंस कैप्सूल में आया बेटा। बोवेंस कैप्सूल से कहाँ जाएगा, फिल्टर होकर के बेटा कहाँ पहुँचा, ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा, जो चीज़ काम की होगी बेटा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी बॉडी में, है ना, कैपिलरीज के थ्रू रीअब्जॉर्ब होगी। और जो बेटा वेस्ट होगा वो बेटा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन में मिला दिया जाएगा। बेटा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन क्या करेगा बेटा, उसको कहाँ ओपन करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करेगा। तो बेटा सारा वेस्ट कहाँ पहुंच गया, कलेक्टिंग डक्ट में। अब मेरी एक बार बेटा ध्यान सुनना, अब कलेक्टिंग डक्ट से जो बेटा आपका वेस्ट पहुंचा वो कहाँ जाएगा, सुनना बेटा, कलेक्टिंग डक्ट से, एक सेकंड बेटा कलर चेंज करें क्या, कलेक्टिंग डक्ट से जो बेटा आप लोगों का जो वेस्ट पहुंचा बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट बेटा ये क्या कैरी कर रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट कैरी कर रहा है बेटा, कहाँ पहुंच जाएगा आपके लिए, बोलो बोलो बोलो, यूरेटर बेटा कहाँ पहुंच जाएगा आपके लिए, यूरेटर्स में पहुंच जाएगा बेटा। यूरेटर से कहाँ जाएगा आपके लिए, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा वेस्ट। और बेटा उसके बाद वेस्ट कहाँ पहुंच जाएगा आपके लिए, बोलो बच्चा लोग बोलो, कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा बेटा एक ट्यूब से, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो बेटा इस तरीके से क्या होता है कि आपकी बॉडी में यूरिन बनता है और भैया ऐसे वेस्ट बाहर निकलता है। तो बेटा आप लोगों ने क्या क्या जान लिया बेटा अभी तक, हाँ जी बेटा आप लोगों ने क्या क्या जाना, मैंने क्या क्या बताया कि भैया आपकी किडनी में क्या आती है बेटा, रीनल आर्टरी आती है बेटा। रीनल आर्टरी क्या करती है, बहुत सारा बंच बनाती है बेटा, बोवेंस कैप्सूल में किसका,
ग्लोमेरुलस का। उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है बेटा। ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है बेटा। फिल्टर होकर कहाँ आता है, बोवंस कैप्सूल में बेटा। बोवंस कैप्सूल से कहाँ जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन में जाता है बेटा। उसमें क्या होता है आपका ट्यूबुलर पार्ट में, एक तो जो काम की चीजें हैं आपके बॉडी के लिए, जो भी वाटर है, ग्लूकोज है, रीअब्जॉर्ब होते हैं। और जो भैया इस ट्यूबुलर पार्ट में, सॉरी बेटा, इस कैपिलरी में या इस ट्यूब्यूल में जो बेटा वेस्ट होगा वो कहाँ मिला देंगे बेटा, ट्यूबुलर पार्ट में। ये मिला देगा अपना सारे वेस्ट को बेटा। वो वेस्ट कहाँ पहुंच जाएगा आपका, कलेक्टिंग डक्ट में बेटा। वेस्ट कलेक्टिंग से कहाँ जाएगा आपका, यूरेटर्स में पहुंचेगा बेटा। यूरेटर से कहाँ पहुंचेगा आपका, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। और बेटा उसके बाद क्या होगा, जब अर्ज होगी किसी को यूरिन पास करना है बेटा, यूरेथ्रा की हेल्प से एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है बॉडी से बेटा, उस वेस्ट को हम यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। मतलब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट आउट कर देंगे बेटा, एग्जिट कर देंगे किसको बेटा, वेस्ट को, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्या सभी को बेटा ये बात समझ में आई, जिसको बेटा समझ में नहीं आई कमेंट में बता देना। बेसिकली बेटा मुझे लगता नहीं कि समझ में नहीं आने जैसा कोई पार्ट है नहीं जो मैंने छोड़ा हो। देखो ये क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। हाँ जी, ये बेटा एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये देख लेना, दिखाया हुआ बेटा। ये आपके लिए क्या है, देखो एक सेकंड, ये कलर चेंज करते हैं बेटा। एनसीईआरटी का डायग्राम एनसीईआरटी लेके बैठना बेटा। ये है बोवंस कैप्सूल, हाँ जी ठीक है बेटा। ये क्या आ रहा है बेटा, बेटा ये आपके लिए क्या है, ग्लोमेरुलस बेटा। इसका एक पार्ट बाहर निकल रहा है, देखो बेटा एक पार्ट बाहर निकल गया, हाँ जी निकल गया। अब वो क्या रहा है बेटा, ये बोवंस कैप्सूल कहाँ खुल रहा है बेटा, देखो कहाँ खुल रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा आपको, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो येलो कलर में देखना, हाँ जी ये देखो, हाँ जी बेटा। ये क्या है आपके लिए बेटा, पूरा का पूरा क्या है बेटा आप लोगों के लिए, ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन का बेटा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन है जी, ठीक है मान लिया जी। उसके बाद बेटा ये कहाँ के बेटा ओपन हो रहा है आप लोगों का बेटा, कहाँ के ओपन हो रहा है बेटा आप लोगों के लिए, ये है बेटा आपके लिए क्या, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बेटा आप लोगों के लिए, कलेक्टिंग डक्ट। अरे हाँ या ना, बोलो ये रहा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है जी बोलो। ये ट्यूबुलर पार्ट दिखाया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, समझ में आ गया। ग्लोमेरुलस क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरी मान लो, मतलब बहुत सारी कैपिलरी का बंच है बेटा। ये क्या है, बोवंस कैप्सूल है। ये क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, मैंने बताया था किडनी में भैया एंट्री करती है ना ओटा की ब्रांच बेटा, ये रीनल आर्टरी है। ये क्या बेटा, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। अरे बात समझ में आई नहीं आई, बोलो अब आ गया हो, ये पूरा क्लियर हो गया। हाँ जी आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखो अब बेटा आपके लिए क्या क्या बचा है बेसिकली इसमें, अब देखो बेटा ये लास्ट में एक स्ट्रक्चर है किसका, एक बड़ा सा किडनी के अंदर का आपको स्ट्रक्चर दिखाया था नेफ्रोन का, वो कैसा दिखाया देता है देखो, है क्या, देखो बेटा ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा क्या है, दीज आर नेफ्रोन्स। क्या बेटा, नेफ्रोन्स बेटा। नेफ्रोन क्या करते हैं, देखो जितना भी वेस्ट बना, ध्यान से देखना, ये कलर कोई अच्छा सा नहीं है क्या, देखो बेटा जितना भी वेस्ट बना बेटा वो कहाँ गया बेटा, इसने आगे भेजा बेटा, कहाँ भेज दिया बेटा, कहाँ भेज दिया, यूरेटर, कहाँ भेज दिया बेटा, यूरेटर के अंदर भेज दिया। देखो रेड से दिखाई दे रहा है, जितना भी भैया नेफ्रोन से वेस्ट बना बेटा कहाँ भेज दिया, यूरेटर्स के अंदर भेज दिया बेटा, किसकी हेल्प से, कलेक्टिंग डक्ट की हेल्प से। तो बेटा उसके बाद यूरेटर से कहाँ जाएगा, ये आपको पता है, ब्लैडर में जाएगा बेटा। उसके बाद क्या हुआ, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बेटा अभी फिलहाल आपके कुछ काम की चीज़ नहीं है। मेडुला जो बेटा इनर लेयर होती है किडनी की, है ना, ठीक है जी आगे बढ़े। अब देखो फंक्शन ऑफ किडनी बेटा क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन ऑफ किडनी, क्या बेटा फंक्शन ऑफ किडनी, तो भैया पहला फंक्शन क्या है किडनी का बताओ, मैं बता चुका हूँ आपको, जो बेटा ब्लड आया उसको फिल्टर करना है बेटा। कौन, किसका ब्लड फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलस का ब्लड फिल्टर होगा जो उसके अंदर ब्लड है। तो देखो क्या लिखा है आपके सामने, बताया हुआ है सब कुछ, अब मुझे रिपीट नहीं करना। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, जितना भी वेस्ट है, ग्लूकोज है या आपकी बॉडी का वाटर है, अमीनो एसिड है या एक्सेसिव सोल्ट है बेटा, वो क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं एंड एंटर्स इनटू द बोवंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रोन। बताया था नहीं बताया था कि भाई एक कप लाइक स्ट्रक्चर बेटा, इसमें क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है, उसके अंदर क्या होता है ब्लड, वो फिल्टर होकर कहाँ आएगा, बोवंस कैप्सूल में आएगा, हाँ जी आएगा। देखो ये डायग्राम दिखाएगा आपको समझाने के लिए, ठीक है जी आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा बेटा। उसके बाद क्या है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यानी अब ट्यूबुलर बेटा बोवंस कैप्सूल से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भैया, फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा आपका, ट्यूबुलर पार्ट में आएगा, नेफ्रोन के, हाँ जी आएगा। उसमें क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो जो हमारी बॉडी की काम की चीजें बेटा वो क्या होंगी, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। देखो कैसे क्या लिखा है, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक लाइक बेटा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब, यानी जो भी आपके भैया काम की चीजें हैं बेटा वो क्या होंगी, वहां से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी एंड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रोन। मैंने क्या कहा था, कुछ कैपिलरी बेटा क्या होती है, ट्यूबुलर पार्ट के बेटा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन के क्या होते हैं बेटा, इर्द गिर्द, रेड से दिखाई दे रहा है, इर्द गिर्द घूमती रहती हैं बेटा। वो क्या करती हैं,
जो काम की चीजें रिअब्जॉर्ब करती हैं, जो वेस्ट हैं इस ट्यूबुलर पार्ट में मिला देती हैं। हाँ या ना बोलो, इतनी बात सभी को समझ में आई कि अरे हम कहाँ पहुंच गए भैया, यहाँ थे, अरे स्लाइड नहीं खुल रही है। हाँ जी, तो समझ में आया कि जो काम की चीज बेटा वो क्या होंगी, रिअब्जॉर्ब होंगी। बेटा कौन करता है उनको? कैपिलरीज करती हैं। आगे देखेंगे बेटा, आगे बढ़े क्या। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है भैया, जो काम की चीजें रिअब्जॉर्ब कर ली, अब जो वेस्ट है बेटा किसमें मिला देंगे, बोलो किसमें मिलाएंगे? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मिला देंगे। हाँ जी, देखो क्या लिखा है, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, सोल्ट एक्सेट्रा आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल। बेटा ट्यूब्यूल क्या? वही ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन, ठीक है जी। चलो जी, विच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। बेटा किसमें खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। विच देन ओपन इन टू द यूरेटर। बेटा कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होता है आपके? यूरेटर में ओपन होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहे? नहीं आ रहे अच्छे से? हाँ जी आ रहे। और बेटा उसके बाद क्या होता है? बेटा मान लो ये यूरिन इकट्ठा हो गया, तो ये क्या, मान लीजिए बेटा इसके अंदर यूरिन इकट्ठा हो गया, बेटा आपके लिए क्या है ये बोलो? फॉर यू दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और बेटा लोग आपके लिए किए क्या है बोलो? यूरेटर्स, है ना। अब भैया क्या होगा बेटा, ये आपके लिए क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा। हाँ जी होता है। अब बेटा क्या करना है इस यूरिन को, बेटा यहाँ से क्या करना है आपको, पास आउट करना है। तो देखो बेटा क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा इज कॉल्ड मेच्योरेशन। बेटा क्या बोलते हैं यूरिन को पास करने को, बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मेच्योरेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या है इसमें बोलो? अरे बात समझ में आई नहीं आई? बेटा एक बार मैं चेक करूं, बैटरी भी डाउन जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑफ हो गई? हाँ जी अभी चल रही है बेटा, किस्मत अच्छी है आप लोगों की, अभी चल रही है बैटरी। हाँ जी देखो बेटा, यहाँ तक जो था मैंने पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों को, है ना, कि भैया कैसे वर्क करती है किडनी, क्या बनाती है। अब लास्ट एक आपके 5 मिनट लूँगा, अब मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बेटा आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा बताएगा? बोलो, बताना चाहिए? चलो बता देते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चे कह रहे हैं कि बताओ सर, हम रेडी बैठे हैं पढ़ने के लिए। हाँ जी बेटा, फर्स्ट थिंग बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो बेटा मैंने क्या कहा था, किडनी में बेटा फिल्ट्रेशन होता है? हाँ जी होता है। कितना होता है एक दिन में बेटा किडनी में? कितना फिल्ट्रेशन होता है बेटा? 180 लीटर अप्रोक्सीमेट पर डे। मतलब बेटा हमारी किडनी एक दिन में कितना फिल्टर कर देती है? 180 लीटर के आसपास फिल्टर कर देती है। चलो जी ठीक है। सेकंड थिंग, यूरिन के बारे में बताया भैया, यूरिन कितना बनता है? इतना ब्लड को फिल्टर किया हमारी किडनी ने भैया, उसमें यूरिन कितना बनता है बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, 1 से 1.5 लीटर यानी 1 to 1.5 liters पर डे बेटा, इतना यूरिन बनता है आपकी बॉडी में। मतलब आप देख रहे हो 180 लीटर ब्लड के बेटा क्या हुआ, फिल्टर हुआ, उसमें से कितना यूरिन बना? 1 से 1.5 लीटर। इसका मतलब बेटा आप एक चीज समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द ब्लड गेट रीअब्सॉर्ब्ड, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम जो बेटा ब्लड आपका क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब, वरना बेटा बॉडी में दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। और बेटा मैं यूरिन की पीएच की बात करूँ, बेटा यूरिन का पीएच बेटा अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 6 के आसपास होता है ना। ये तो पता होना चाहिए भैया थोड़ा बहुत तो। चलो बेटा, सो यही दो चीज, एक दो चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, आपकी नॉलेज के लिए हैं। पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो भी पढ़ लेना, क्योंकि तो बेटा पढ़ाई ज़रूरी है। आप आज आज पढ़ रहे हो, कोई बच्चा 11th में जाके बायोलॉजी लेगा तब भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आपकी नॉलेज जो है बेटा स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और पढ़ाने के लिए बेटा हम आपके पूरी हेल्प करेंगे। सो बच्चों, अब लास्ट एक बात कहूँगा कि लेक्चर कैसा लगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे, है ना। और बेटा अगले लेक्चर की वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि बेटा एक लास्ट वीडियो में बच्चे कमेंट आया था कि सर आगे फर्दर हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की वीडियो चाहिए। सो बेटा वो भी हम लेकर के आ रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और रेगुलर बेस वीडियो देखते रहो। अपने जो बेटा आपके कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव, उनको शेयर करो कि बेटा नॉलेज को शेयर कर, बेटा नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, आप लोग जानते हैं ना। चलो बेटा आज यहीं पर रोकते हैं,
और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।